नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में आपका स्वागत है। इससे ये आपका आज रसायन विज्ञान के पहले पार्ट का चौथा भाग है, और इससे पहले हम तीन वीडियो इस पाठ में बना चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो अभी जाकर उसको देख लीजिए। और आज के इस चौथे भाग में हम देखेंगे कि जो वियोजन अभिक्रिया हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया है क्या, और अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया तो संयोजन अभिक्रिया एक ही होगी, लेकिन वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। तो आज हम उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो वियोजन अभिक्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। तो पहली है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हमारी तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो जो पहले प्रकार होते ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है, तो ऊष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले वियोजन अभिक्रिया आपको हमने पहले वीडियो में समझा दी, तो समझ में आ गया होगा वो कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक रहेगा और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हो गई वियोजन अभिक्रिया की, हमारा जो अभिकारक रहेगा वो एक रहेगा और वो टूटेगा दो या दो से अधिक भाग में और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। तो ऊष्मा के द्वारा अब वो टूटेगा कैसे, अब वो तो हम ऐसे रख देते तो वो तो टूट जाएगा नहीं, उसको ऊष्मा देने पड़ेगी या विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी या फिर सूर्य के प्रकाश पर रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तीन प्रकार की होती है। तो ऊष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, यानी गर्मी देने पर, गर्म करने पर, जो वियोजन वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसको गर्म करने पर वो अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ऊष्मा के द्वारा संपन्न, सॉरी, ऊष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, यानी वह अभिक्रिया जिसको हम गर्म करने पर वह अभिक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो कौन से, पहले देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हमने ऊष्मा दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में टूट गया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है आपने पहले समझा, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया, बस क्या है कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार हो गए हैं, जो ऊष्मा के द्वारा होगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जो विद्युत धारा के द्वारा होगी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जो सूर्य के प्रकाश में होगी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, ऊष्मा के द्वारा होने वाली या संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात वह वियोजन अभिक्रिया जो गर्म करने पर होती है, ऊष्मा देने पर होती है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने ऊष्मा दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में टूट गया, अभिकारक एक है, उत्पाद दो। अब आते हैं हमारे अगले प्रकार की तरफ, तो वो है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है इसको समझ लेते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात तो वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया को
विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस यौगिक से हम जिस यौगिक में हमें अभिक्रिया करानी है, अभिकारक में अभिक्रिया करानी है, उस अभिकारक में हम जिस अभिकारक से अभिक्रिया करानी है, जिस अभिकारक से हमको अभिक्रिया करानी है, उस अभिकारक में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है उसे वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो वहां पर हमारी हो जाती है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जल है, 2H2O, ये हमारा जल है। अगर जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जल में हम करंट प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, तो जो जल होता है वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणुओं में, दो अणुओं में टूट जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका। अगला देखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या, देखें सूर्य के प्रकाश में संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसको सूर्य के, जो सूर्य के प्रकाश संपन्न होती है, इसमें क्या करते हैं अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो अभिकारक जो है वो टूट करके दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, समझ लेते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया को, सूर्य के प्रकाश में संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अर्थात इसमें अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रख दिया था, तो अभिकारक टूट करके दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देख लीजिए, तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड इसको हमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया, सूर्य के प्रकाश पर जब पड़ता है तो ये दो भागों में टूट जाता है, दो उत्पादों में बढ़ जाता है, दो उत्पाद बनाता है, एक तो हो गया हमारा सिल्वर, दूसरा हो गया क्लोरीन गैस। तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। सिल्वर क्लोराइड को हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया, तो यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहली हमारी हो गई ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, तो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देख सकते हो उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये दो उत्पाद बनाता है। फिर आगे दूसरी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जल है, जल में हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है उत्पाद। अब अगला आ गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, तो सूर्य के प्रकाश में जो संपन्न, जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश में जो रख दिया तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाती है। चलिए आगे देखते हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम देखेंगे कुछ नोट्स जो कि इसे अभिक्रिया संबंधित है। इसमें नोट्स में जो पहला रहेगा वो हमारा है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें छेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या देखते हैं, तो वह अभिक्रिया
जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक क्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझ लीजिए। नोट पॉइंट पहला नोट है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसमें उत्पाद तो बनेगा, उत्पाद तो बनेगा, साथ ही साथ साथ उत्पाद के निर्माण के साथ में ऊष्मा भी मुक्त होती है, अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, एक CaOH का मोल ट्वाइस, अर्थात बुझा हुआ चूना है, सॉरी गलत हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल। अब इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और साथ में मुक्त होगी ऊष्मा, साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। आपने देखा होगा कि जब हम बिना बुझा चूना को पानी में मिलाते हैं तो बर्तन अपने आप गर्म हो जाता है और जो पानी होता है चूने वाला पानी होता है वो उबलने लगता है, उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, वो ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसीलिए उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण भी हो, अर्थात हमारा जो उत्पाद है वो भी बनता है, साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात इसमें आपको उत्पाद तो बनेगा ही, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि जब आप बिना बुझे चूने को पानी मिलाते हैं तो जो पानी होता है वो उबलने लगता है और साथ जिस बर्तन में आप रखे तो बर्तन बहुत गर्म हो जाता है, तो हमने तो उसको गर्म किया नहीं, हमने तो केवल पानी मिलाया है चूने में, पानी भी ठंडा हो तो उस समय चूना भी ठंडा था, दोनों का तापमान कम था, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो उसका तापमान ज्यादा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये ऊष्मा आई कहाँ से, ये ऊष्मा अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। जब हम बिना बुझे चूना को पानी मिलाते हैं तब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तब वो ऊष्मा अलग से उत्पन्न होती है, तो यही हमारी होती है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, यानी उत्पाद भी हमारा बनेगा और ऊष्मा भी मुक्त होती है। अब हम दूसरे नोट की बात करेंगे अपना, हमारा दूसरा नोट है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा दूसरा नोट है वो है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। हमने ऊष्मा क्षेपी देखा, अब हम देखते हैं ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो
क्रिया, वह क्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारा मतलब वो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात वो ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। ऊष्मा को अवशोषित करके वो हमें वहां की ऊष्मा अवशोषित कर लेगी तो तापमान कम हो जाएगा। इसमें तापमान बढ़ जाता था, इसमें तापमान कम हो जाएगा अर्थात तो ठंडा हो जाएगा। तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती थी, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है हमको इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए। जैसा कि हम देख लेते हैं एक उदाहरण, Fe प्लस एस प्लस ऊष्मा एरो एफ ई एस, ये हो गया हमारा उदाहरण। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि आयरन और सल्फर की अभिक्रिया कराई गई, लेकिन इसमें इसको ऊष्मा दी गई है, इसको ऊष्मा दी गई है। जब इसको ऊष्मा देते हैं तो ये ऊष्मा अवशोषित करके फेरस सल्फेट बनाती सॉरी फेरस सल्फाइड बनाती है, फेरस सल्फाइड बनाती है। तो इसमें क्या हुआ कि हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ये ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी, तो ये ऊष्मा क्या करे अवशोषित कर लिया, इसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, इसमें ऊष्मा को अपने अंदर सोख लिया। तो पहले ऊष्मा अवशोषित रासायनिक अभिक्रिया एक बार फिर देख लेते हैं। तो ऊष्मा अवशोषित रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है अर्थात जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, जो अभिकारक होते हैं ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप देख सकते हैं आयरन है सल्फर दोनों को अभिक्रिया करा रहा है जिसको ऊष्मा दी गई है, तो इनको जो ऊष्मा दी जाती है ये उसको अवशोषित कर लेते हैं। आयरन और सल्फर को अभिक्रिया कराने के लिए हमने ऊष्मा दिया, तो इन्होंने क्या किया उस ऊष्मा को अपने अंदर सोख लिया, तो सोखने के बाद बन गया आपका फेरस सल्फाइड। तो ये हो गई हमारी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है, उम्मीद है कि आपको आज क्लास समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आता हो, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो जो आपको ना समझ में आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके उसको पूछ सकते हैं, और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके आगे की जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अगली तब तक के लिए धन्यवाद।